आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर यूरोप और दूसरी कंट्रीज जो की है डिस्ट्रस्ट का डिस्ट्रस्ट होता है एकदम विश्वास ना करना ठीक है और मिलिट्री ग्रुप्स फॉर्म हो गए थे फिर इंस्पायर अमेरिका से इंस्पायर होके वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज जो थी उन्होंने नेटो बनाया नॉर्थ एटलांटिक ओशियन ट्रीटी नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ओके जो नॉर्थ एटलांटिक ओशियन है ठीक है वहां पे जो वेस्टर्न डेमोक्रेटिक कंट्रीज थे उन्होंने मिलके एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसका नाम दिया था नेटो एन ए नेटो और बनाया कब अप्रैल नाइनटीन को बनाया अब ये जो नेटो है उसका फुल फॉर्म है नॉर्थ एटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये आपको याद रखना है साउथ ईस्टर्न कंट्रीज से मतलब साउथ इंडिया साउथ ईस्टर्न कंट्रीज को सोवियत यूनियन के कम्युनिज्म से बचाने के लिए अमेरिका और इंग्लैंड ने ये दोनों ने मिलकर एक और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको नाम दिया सीटो साउथ ईस्टर्न एशियाटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन और ये बना 1945 में भाई ये सीटो के में बात करें हमने एक और ऑर्गेनाइजेशन जो है सेंटो सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन तो ये जो सेंट्रल एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन बनाया गया था वो एस्टेब्लिश किया था मिडल ईस्ट कंट्रीज के लिए इंग्लैंड के लीडरशिप के अंदर और उसके बाद अमेरिका ने ये जो सेंटो वाला पूरा ऑर्गेनाइजेशन वो टेक ओवर कर लिया था ठीक है उसकी लीडरशिप ले ली थी अगेंस्ट दिस रशिया ने पैक्ट बनाया था ठीक है एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसका नाम दिया था पैक्ट और ये मेंबर्स वॉर्सो पैक्ट के जो मेंबर्स है वो थे अलबेनिया बल्गेरिया चेकोस्लोवाकिया ईस्ट जर्मनी हंगरी पोलैंड रोमिया रोमेनिया रशिया ये सारे वॉर्सो पैक्ट के मेंबर्स बन गए थे ठीक है तो ये हमने बात करी हर एक की तो नेटो सीटो सेंटो पैक्ट उसके बारे में बात करी अब हम बात करेंगे आर्माेंट और डिसआर्मामेंट के बारे में राइट ए शॉर्ट नोट देखो भाई कोल्ड वॉर जो पूरी दुनिया पे डोमिनेंस करने के लिए बनाया गया था ठीक है उससे क्या हुआ फियर्स कंपटीशन जनरेट हुआ सुपर पावर के बीच में और ये डोमिनेंस में सबसे ऊपर था आर्मामेंट भाई आर्मामेंट का मतलब ये होता है कि वेपन बनाना वेपन मैन्युफैक्चर करना या शिप्स बनाना जो मिलिट्री शिप्स होती है वो अमेरिका हैज यूज एटम बॉम्ब फॉर द फर्स्ट टाइम देखो जापान में जो दो सिटीज थे जिसके ऊपर अमेरिका ने एटम बॉम्ब यूज किया था हिरोशिमा और नागासाकी उससे अमेरिका का प्रूव हो गया था कि अमेरिका है उसका दबदबा है बॉस सोवियत यूनियन ने भी अपनी कैपेसिटी प्रोवाइड मतलब प्रूव कर दी थी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट करके और एटम बॉम्ब बना के तो अमेरिका ने अब वहां पे उसके एग्जेक्ट नीचे साउथ ईस्ट में क्यूबा है अब ये क्यूबा पे उन्होंने ब्लॉकेट डिक्लेयर कर दिया वो कम्युनिस्ट था क्यूबा और अमेरिका ठहरा डेमोक्रेटिक अब क्यूबा था कम्युनिस्ट तो अमेरिका ने कर दिया ब्लॉकेट ये डिफेंड भाई क्यूबा को डिफेंड करने के लिए और अमेरिका के अटैक से बचाने के लिए सोवियत यूनियन है कम्युनिज्म आ गया भाई भाई ठीक है तो सोवियत यूनियन ने शिप भर दी न्यूक्लियर मिसाइल के साथ और भेज दी करेबियन सी में और दोनों सुपर पावर्स ने एक दूसरे को डराया थ्रेटन किया न्यूक्लियर वेपन्स यूज करने का फाइनली अमेरिका और सोवियत यूनियन के जो लीडर्स थे ठीक है उन्होंने हॉटलाइन पे बात करी पहली बार और सोवियत यूनियन ने विड्रॉ कर दी शिप्स ठीक है तो वॉर बच गई वॉर हुआ नहीं तो ये पूरा जो एपिसोड है उसको क्यूबन क्राइसिस बोला जाता है इन शॉर्ट न्यूक्लियर वेपन की यूजफुलनेस उसमें ही है कि उसका यूज ना किया जाए

और इस अग्रीमेंट को बोला जाता है पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी अमेरिका सोवियत यूनियन और ब्रिटेन उन्होंने मिलकर न्यूक्लियर प्रोडक्शन नहीं नहीं करना कम करना नहीं करना एक्सपेरिमेंट कम तो ये सारी चीजों पे उन्होंने अग्री किया तो इस ट्रीटी को बोलते हैं पार्शियल न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी फ्रांस ने मना कर दिया इस पर हम साइन नहीं करेंगे चाइना ने न्यूक्लियर टेस्ट 1964 में किया और ये ट्रीटी साइन करने के लिए मना कर दिया ट्रीटी न्यूक्लियर टेस्ट क्या था मतलब ये ट्रीटी था क्या दिस ट्रीटी इम्पोज बैन ऑन कंडक्टिंग न्यूक्लियर टेस्ट ऑन अनदर कंट्री दूसरे कंट्री पे न्यूक्लियर टेस्ट करना उस पर बैन कर दिया मतलब नहीं करना है अब न्यूक्लियर टेस्ट ठीक है अफकोर्स कम्युनिस्ट चाइना जो है वो परमानेंट मेंबर था ठीक है वो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसने वीटो पावर उसका यूज किया और उसको मना कर दिया वर्ल्ड जो है

बहुत सारे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में चेंजेस आ गए इंडिया जो है वो हमेशा से ये ट्रीटी को वेलकम करता है और हमेशा से डिसमेंट का प्रेफरेंस देता है वर्ल्ड हमेशा से डेंजर में रहेगा जब तक लीथल वेपन भयानक वेपन का डिसमेंट ना हो जाए तो ये बात हुई है भाई आर्मामेंट और डिसमेंट की क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी पे आते हैं राइट शॉर्ट ऑफ सोवियत यूनियन तो भाई सोवियत यूनियन की बात करें तो मिखाइल गोरबाचे बने 11th मार्च मार्ची में उनका एक लिबरल एटीट्यूड था अब ट्वेंटी का लास्ट डिकेड का समय था सोवियत यूनियन के प्राइम मिनिस्टर मिखायल गोरबाचेब की बहुत ही लिबरल पॉलिसी के कारण सोवियत यूनियन का डिसइंटीग्रेशन हो गया गौरबाचेव ने दो पॉलिसीज अडॉप्ट करी थी जिसका नाम था ग्लासनोस्ट और पेरिस्ट्रॉयका ठीक है आप सर्च कर सकते हैं इसको ऑनलाइन इन दिस वे गौरबाचेव ने इकोनॉमिकल और पॉलिटिकल रिफॉर्म्स अपने सिंगल हैंडेडली ये कम्युनिस्ट रूल के अंदर पॉलिटिकल रिफॉर्म्स इकोनॉमिकल रिफॉर्म्स लेके आया और सोवियत का जो पूरा यूनियन था उसको इंडिपेंडेंस चाहिए था तो प्रोसेस डिस का एकदम शुरू हुआ रशिया ने ट्रिमेंडसली उसके बाद साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ही आगे बढ़ा है वो ठीक है और उन्होंने डेमोक्रेसी तो का डिजायर ये लोगों के अंदर जागरूकता लेके आया डेमोक्रेटिक ग्रुप और कम्युनिस्ट ग्रुप का जो फर्क था कॉन्फ्लिक्ट था वो हटा दिया गया जैसे टाइम पास होता गया कम्युनिस्ट पार्टी का स्ट्रॉन्ग रोल बढ़ता गया सोवियत ब्यूरोक्रेसी और रेड आर्मी वो वीकन होने लगी और पंद्रह स्टेट में से चौदह स्टेट्स इंडिपेंडेंट हुए सोवियत यूनियन डिसइंटीग्रेट हो गया दिसंबर 1991 में और इस इवेंट के बाद वेस्टर्न कंट्रीज जो है वो रशिया को अप्रोच करी डेवलपमेंट के लिए और कई सारे और मैटर्स के लिए सोवियत यूनियन का जो पीसफुल डिसइंटीग्रेशन है वो एक इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में एक बहुत ही बड़ा स्ट्रांग होल्ड माना जाता है ठीक है तो भाई यहाँ पे खत्म होता है हमारे क्वेश्चन आंसर आपके स्क्रीन पे आ गया है चैप्टर नंबर नेचुरल वेजिटेशन आपके टेक्स्ट बुक का उसके बारे में हम बात करेंगे नेचुरल वेजिटेशन में आ, आपको <coughs> हमारे इंडिया के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा तो लेटेस्ट सी लेटेस्ट स्टार्ट द चैप्टर भाई हमारे ह्यूमन लाइफ के लिए वेजिटेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वेजिटेशन के बिना हम लाइफ ही इमेजिन नहीं कर सकते हैं ठीक है हमारे एंशियंट स्क्रिप्चर्स में और मॉडर्न साइंस ने दोनों ने एक्सेप्ट किया है कि नेचुरल नेचुरल वेजिटेशन वेजिटेशन बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट है इंडिया के अंदर बहुत के अंदर सारे टाइप्स आपको देखने को मिलेंगे डाइवर्सिफाइड अलग अलग लार्ज डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी नेचुरल वेजिटेशन में वेजिटेशन डाइवर्सिटी की बात करें तो इंडिया टेंथ पोजिशन पे है पूरे वर्ल्ड में और एशिया में फोर्थ पोजिशन पे है एक फॉरेस्ट क्या होता है एक फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज जहां पे ह्यूमन हेल्थ के ना मिलने के वजह से मतलब ह्यूमन हेल्प के अलावा ह्यूमन हेल्प नहीं है फिर भी नेचुरल कंडीशन में ट्रीज ग्रो कर रहे हैं उसको हम फॉरेस्ट बोलते हैं फॉरेस्ट फॉरेस्ट इज अ ग्रुप ऑफ ट्रीज एंड रोज ग्रो इन नेचुरल कंडीशन विदाउट ह्यूमन हेल्प उसको हम बोलते हैं तो नेचुरल वेजिटेशन के बात बात करेंगे हम द डाइवर्सिटी इन नेचुरल वेजिटेशन ऑफ इंडिया इज क्रिएटेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन भाई नेचुरल वेजुडेशन हमारे इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पे अलग अलग कैसे दिखते हैं इस वजह से पॉइंट नंबर रिलीफ फीचर्स रिलीफ फीचर्स का मतलब होता है लैंडस्केप जैसे यहाँ पे बहुत सारे माउंटेन्स हैं प्लेटूज हैं प्लेन है डेजर्ट है ठीक है तो एक डाइवर्सिफाइड पैटर्न दिखेगा आपको ये रिलीफ फीचर्स की वजह से सॉइल भी अलग अलग है डिफरेंट सॉइल्स एलिवियल ब्लैक माउंटेन डेजर्ट टाइप सॉइल भी अलग अलग है तो हर एक सॉइल की तरह में मतलब हर एक सॉइल के कैरेक्टरिस्टिक्स के मुताबिक वहां पे आपको वेजिटेशन देखने को मिलेगा टेम्परेचर अलग अलग है जैसे हिमालय के कोल्ड रीजन है उदर्न पेनसुलर के ह्यूमिडिटी uh, रीजन है ठीक है तो वेजिटेशन में वेरिएशन देखने को मिलता है सनशाइन के बारे में बात करें हम तो ये भी एक डिपेंड करता है लेटिट्यूड और ऑल्टीट्यूड पे वेजिटेशन जहां पे बरसात ज्यादा पड़ती है जहां पे सनशाइन अच्छी है वहां पे फास्ट उगेगी जहां पे नहीं होता है रेनफॉल ये सनशाइन मतलब कम होता है तो ये ऐसी जगह पे कम उगेगी और ह्यूमिडिटी ह्यूमिडिटी भी एक बड़ा कंसर्न है ना जहां पे भेज ज्यादा होगा जहां पर बढ़िया हो रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन हमारे यहाँ पे अनिकवल है तो इसी वजह से वेजिटेशन में डाइवर्सिटी भी देखने को मिलती है तो चलिए देखते हैं कुछ नंबर हमारे सामने आए हैं देर आर अबाउट फाइव थाउजेंड वेराइटीज ऑफ ट्रीज इन इंडिया जिसमें से चार सौ पचास ट्रीज टाइप ऑफ ट्रीज हम कॉमर्शियली यूज करते हैं कॉमर्शियली मतलब हम हमारे रिसोर्स के रूप में यूज करते हैं उसको बिसाइड्स हजार फ्लावरिंग प्लांट्स भी ग्रो होते हैं यहाँ पे इंडिया में ठीक है तो पूरे वर्ल्ड का सिक्स परसेंट बनता है ये पूरे वर्ल्ड का फ्लावरिंग प्लांट्स पे ग्रो होते हैं नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स जैसे फर्न एल्गे मॉस ऐसे भी है हमारे कंट्रीज में इंडिया जो है वो हर्बल प्लांट्स के लिए भी फेमस है आयुर्वेद में दो हजार मेडिसिनल प्लांट्स के बारे में बात की है सुशोध संहिता में दस इट कैन बी सेड ज ए डाइवर्सिटी इन वेजिटेशन तो हम बोल सकते हैं कि इंडिया में बहुत डाइवर्सिटी देखने को मिलते है अलग अलग प्रकार के वेजिटेशन देखने को मिलते हैं चलिए भाई अब बात करते हैं हम टाइप्स ऑफ नेचुरल वेजिटेशन की भाई देखो कितने प्रकार के हैं वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे यहाँ पे और वो डिटेल में हम यहाँ पे हम पढ़ने वाले हैं तो देखो एक क्लाइमेट पर डिपेंड करता है एक वेजिटेशन जो होता है वो क्लाइमेट पर डिपेंड करता है अगर आइडेंटिकल क्लाइमेट है तो वेजिटेशन भी सेम दिखेगा तो इसको हम नेचुरल वेजिटेशन रीजन बोलते हैं ठीक है ऑल्टीट्यूड सॉइल रेनफॉल टेम्परेचर इस सारी वजह से अलग अलग टाइप के पांच टाइप के यहां पे हमको नेचुरल वेजिटेशन देखने को मिलते हैं अब देखिए आपके सामने है पांच टाइप ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिड्यूस फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रासलैंड और मैनग्रोव टाइडल फॉरेस्ट तो हम यहां पे जो हम पढ़ने वाले हैं वो इसके अंदर ऐसी डिटेल्स पढ़ने वाले जो आपको याद रखनी पड़ेगी तो एक बार ध्यान से फोकस से देखिएगा ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो देखिए ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट सबसे पहले तो डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ होता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट हॉट और ह्यूमिड रीजन में पाए जाते हैं अब वो हॉट और ह्यूमिड रीजन कहाँ पे है ऐसे एरियाज जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो और टेम्परेचर 22 डिग्री से ज्यादा हो अब बताइए ऐसे एरियाज कहां पे देखने को मिलेंगे वेस्टर्न घाट्स पे लक्षद्वीप आइलैंड अंडमान निकोबार आइलैंड अपर रीजन ऑफ आसाम कोस्टल तमिलनाडु ये सारी जगह पे टेम्परेचर जो है बाईस से ऊपर रहता है दो सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल हो जाता है और हॉट और ह्यूमिड क्लाइमेट रहता है ठीक है ट्रीज कौन से कौन से उगते हैं तो नाम आपको याद रखने पड़ेंगे महोगनी इबोनी रोजवुड और रबर अगर आपको ऐसे याद रखना है तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट तो मेर एम फॉर महोगनी फॉर इबोनी आर फॉर रोज वुड और आर फॉर रबर एम ईडलिकल रेन फॉर आर ठीक है तो साठ मीटर से ज्यादा बड़े हो सकते हो साठ मीटर साठ मीटर से ज्यादा बड़े हो सकते हैं ट्रीज वहां पर ज्यादा ह्यूमिडिटी होती है और ऑटम जैसी कोई सीजन नहीं होती एवरग्रीन होते हैं फॉरेस्ट ऐसे फॉरेस्ट को एवरग्रीन फॉरेस्ट भी हम बोलते हैं ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम एवरग्रीन फॉरेस्ट बोलते हैं या 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल पड़ता है एनुअली तो वो मतलब एवरग्रीन ही रहते हैं समझ में आ रहा है चलिए हम बात करते आपके स्क्रीन के ऊपर अब आ गया है एक मैप वो मैप के अंदर आपको ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट माउंटेन फॉरेस्ट मैंग्रोव फॉरेस्ट थॉर्न फॉरेस्ट सारे फॉरेस्ट कहाँ कहाँ पाए जाते हैं वो आपको दिखाया गया है ये मैप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है ठीक है तो ये मैप एग्जाम में आ सकता है तो बहुत ही जरूरी है एक बार देख लेना है कि कौन से एरिया में क्या क्या आ रहा है आपके टेक्स्ट बुक के अंदर ये आपको दिया गया है आपका स्टडी करना है आपको ये चलिए अब बात करने टॉपिक है डेसीड्यूस फॉरेस्ट की तो जनरली ये फॉरेस्ट 70 टू 200 सेंटीमीटर रेनफॉल के एरियाज में आपको मिलते हैं और ये कहां कहां तो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हिमालयन फुट हिल्स वेस्टर्न ओडिशा छत्तीसगढ़ झारखंड ईस्टर्न स्लोप्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स विंध्या और सतपुड़ा रेंज ये सारी जगहों पे आपको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं मेजर पार्ट है हमारे इंडिया का एक लार्ज प्रोपोर्शन ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट का हमको इंडिया में देखने को मिलता है ओके okay? ट्रीज के बारे में बात करें तो यहां पे है टीक साल सीसेम सैंडलवुड और खेर आपको अगर याद रखना है ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट तो टी एस क्यूब के ऐसा आप याद रख सकते हैं टी एस क्यूब के एस क्यूब मतलब सी साल सी सेम सैंडलवुड एस क्यूब है ना हो गया टी ट्रॉपिकल डेसीड्यूस फॉरेस्ट टी साल सी सेम सैंडलवुड खैर ओके तो ऐसे आप ट्रीज का नाम याद रख सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या है ये ट्रीज की देखो एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक ऐसे ट्रीज की ये है कि भई 6 से 8 हफ्तों जब ऑटम आती है ना तो 6 से 8 हफ्तों में अपने पत्ते झड़ते हैं वो ट्रीज के ठीक है हर एक स्पीसीज ऑफ ट्रीज जो होता है उसका अलग अलग समय होता है जो लीव झड़ने का होता है वो अलग अलग समय होता है तो ऐसा नहीं होता है कि एक फॉरेस्ट एरिया पूरा पत्ते सारे झड़ गए ऐसा कभी नहीं होता है एक पर्टिकुलर सीजन में पत्ते सबके झड़ गए ऐसा नहीं होता है एज दिस ट्रीज शेड देव अकॉर्डिंग टू सीजन दे आर कॉल्ड मानसून फॉरेस्ट इनको मानसून फॉरेस्ट बोला जाता है तो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को बोला जाता है एवरग्रीन फॉरेस्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट को बोला जाता है मॉनसून फॉरेस्ट ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में बात करेंगे तो ऑब्वियसली नाम से ही आपको पता चल जाएगा कि वो डेजर्ट वेजिटेशन के बारे में बात कर रहे हैं तो नॉर्थ वेस्टर्न रीजन जो राजस्थान पंजाब एरिया है गुजरात राजस्थान मध्य प्रदेश उत्तर प्रदेश ये सारी जगह पे आपको ये फॉरेस्ट ये वेजिटेशन देखने को मिलेगा जनरली सच फॉरेस्ट आर फाउंड इन रीजन रिसीविंग लेस देन सेवेंटी सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल ट्रीज क्या है भाई तो डेट्स जुजुबे अकाशिया कैक्टस खिजड़ो इसको आप जैक कर सकते हैं जे ए सी के जे होता है जुजुबे ए फॉर आकाशिया सी फॉर कैक्टस और के फॉर खिजड़ो तो ये चार नाम आप याद रख सकते हैं डेट्स तो खजूर होते हैं तो खजूर कहाँ पे देखने दुबई में बहुत देखने ऐसा डेजर्ट एरियाज में आपको डेट्स मिलते हैं तो आप ये ऐसे याद रख सकते हैं ट्रॉपिकल डेजर्ट वेजिटेशन में जैक है और खजूर है जैक खजूर खा रहा है समझ आ रहा है? चलिए कैरेक्टरिस्टिक के बारे में बात करते हैं तो ये ट्रीज और प्लांट्स के जो रूट्स है, वो है, है, और होते है। इसके लीव जो है वो पतले पतले शॉर्टर होते हैं जिससे यह ट्रांसपोरेशन प्रोसेस स्लो होता है तो मतलब जो ट्रांसपीरेशन प्रोसेस होता है ना वो प्लांट्स का फोटोसिंथेसिस वाला जो पूरा प्रोसेस पानी अंदर से खींचने का वो स्लो होता है तो नीचे थोड़ा पानी है तो चल जाता है समझ में आ रहा है चलिए अब हम बात करते हैं टेम्परेट फॉरेस्ट और की जो हिमालयन वेजिटेशन में आपको देखने को मिलेंगे वेजिटेशन ऑन हिमालय तो यहाँ पे हमको हाइट के मुताबिक डिवाइड किया गया है तो 1000 से 2000 मीटर तक आपको ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं जहां पे ओसी है ओक और चेस्टनट हाई माउंटेन्स ऑफ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट बंगाल और एरिया ऑफ उत्तराखंड ये हजार और दो हजार मीटर के बीच में है तो नॉर्थ ईस्ट के जो हाई माउंटेन वेस्ट बंगाल वाला जो कुछ एरिया है और माउंटेनियस एरिया जो उत्तराखंड में है वहां पे ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आपको देखने को मिलता है कौन से ट्रीज देखने को मिलते हैं ओक और चेस्टनट 1500 से 3000 मीटर तक जो साउदर्न स्लोप ऑफ हिमालयाज है हायर और साउथ और नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहां पे कॉनिफरस फॉरेस्ट मिलते हैं पाइन साल सिल्वर फर्स प्रूस या अलग अलग प्रकार के ट्रीज होते हैं कॉनिफरस नाम मतलब कौन कौन शेप के होते हैं समझ में आ रहा है और 3600 मीटर से ऊपर अगर आप देखने तो जाए तो हायर ऑल्टीट्यूड ऑफ हिमालय और स्नो लाइन के पास तो अल्पाइन और शॉर्ट ग्रास होता है जिसको हम तुंद्रा वेजिटेशन भी बोलते हैं जहां पे सिल्वर फर और बर्ज की छाल बर्ज के पेड़ आपको देखने को मिलते हैं समझ में आ रहा है तो ये है हमारे वेजिटेशन ऑन हिमालय जिसको हम टेम्परेट फॉरेस्ट एंड ग्रास बोलते हैं एक मेजर कैरेक्टरिस्टिक कॉनिफरस फॉरेस्ट का ये है कि ये ट्रीज कॉनिकल शेप के होते हैं कौन शेप के होते हैं उनके ब्रांच जो है वो सरफेस की तरफ लिंक डाउन हो जाए लेंग की तरफ ट्रीज जो है उसके लंबे होते हैं पॉइंटेड और स्टिकी होते हैं जो ह्यूमिडिटी लंबे समय तक बचा के रखते हैं अब जो हम बात करने वाले हैं वो टाइडल फॉरेस्ट की बात करेंगे हम मैंग्रोव फॉरेस्ट की बात करेंगे इसका डिस्ट्रीब्यूशन देखेंगे तो टाइडल फॉरेस्ट डेल्टा रीजन में होते हैं रिवर्स के पास जो दरिया किनारा होता है ना वहां पे जो रिवर्स मिल जाते हैं वहां पे वहां पे टाइडल फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं ये फॉरेस्ट गुजरात कोस्ट और बे ऑफ बंगाल के मार्शी लैंड पे आपको देखने को मिलेंगे ट्रीज वहां पे कौन से देखने सुंदरी और चेर ये दोनों ट्रीज आपको देखने को मिलते हैं चलिए फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स अंदर यूटिलिटी के बारे में बात करेंगे तो फॉरेस्ट प्रोडक्ट्स हमारे लिए तो बहुत ही उपयोगी हैं टीक और साल से जो वुड निकलता है वो हम यूज करते हैं फर्नीचर बनाने में बोट प्रिपेयर करने में सुंदरी ट्रीज के जो वुड होते हैं वो यूज करते हैं लोग सुंदरवन जो है ना बे ऑफ बंगाल में सुंदरवन पूरा फॉरेस्ट वहां पे से सुंदरी ट्रीज मिलते हैं और उसमें से बोट्स बनाते हैं वो एकदम मजबूत स्पोर्टिंग गुड्स और पैकिंग बॉक्सेस बनते हैं पाइन और चिड ट्रीज से और टर्पनटाइन बनाया जाता है चिड ट्रीज के लिक्विड जो वहां पे उसमें से जो निकलता है उसमें से टर्पनटाइन बनाया जाता है सैंडलवुड परफ्यूम्ड ऑयल बनाने में कॉस्मेटिक बनाने में यूज किया जाता है चंदन का लकड़ा यूज किया जाता है परफ्यूम ऑयल और कॉस्मेटिक बनाने में बास्केट टॉयज गुड्स ऑफ होम डेकोरेशन से बनाया जाता है फॉरेस्ट जो है 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 वो सीलिंग वैक्स वैक्स हमको हमको देता है। वैक्स होता है। रेजिन गम रबर हनी केन ये सारी चीजें वहां से आंवला वहां से मिलता है बेहड़ा हरडे अश्वगंधा ये सारी चीजें मेडिसिनली हम यूज करते हैं तो मेडिसिनल के प्रकार से हम कौन सी चीजें यूज करते हैं वो आपके स्क्रीन के ऊपर मैंने टेबल रखा है आप देख सकते हैं सर्पगंधा जो है वो हाई ब्लड प्रेशर में यूज किया जाता है लिमड़ो तो एक बैक्टीरियल रेजिस्टेंट की तरह यूज किया जाता है तुलसी जो है वो कोल्ड कफ और फीवर में यूज करते हैं सदद, वो हम हम अर्जुन वो हार्ट एलिमेंट्स के ट्रीटमेंट के लिए यूज करते हैं बिली तो वो गैस और कफ इम्प्योरिटीज के लिए यूज होता है गड़ो तो डायबिटीज और फीवर और जॉइंट पेन में यूज होता है हर्डे तो कॉन्स्टिबेशन और हेयर डिजीजेस में यूज होता है आंवला तो क्योर्स गैस एसिडिटी डाइजेस्टिव के रूप में हम आंवला यूज करते हैं करंज तो स्किन और डेंटल गम डिजीजेस के अंदर यूज किया जाता है करंज खाखरो लीव्स के जो लीफ प्लेट बनाए जाते हैं वो भी बढ़िया होते हैं खेर ट्री में से कटेचू मिलता है हमको टिमरू लीव जो होते हैं ठीक है उसमें से बीडी बनाई जाती है फॉरेस्ट जो है वो वहां पे रहने वाले लोगों के लिए खाना और लाइवलीहुड प्रोवाइड करता है वो एक सोर्स ऑफ इनकम बनता है तो इस वजह से फॉरेस्ट जो है वो हमारे मैनकाइंड का सोशली और इकोनॉमिकली डेवलपमेंट में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है इंपॉर्टेंस की बात करेंगे हम ऑफ फॉरेस्ट ठीक है चलिए देखो सबसे पहले तो हमको रेन लाने में मदद करती है ये फॉरेस्ट जो होता है वो रेन लाने में मदद करता है वो एटमोस्फियर को खराब होने से बचाता है वो हमको लाइफ सेविंग ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है फॉरेस्ट फ्लड्स कंट्रोल करता है दे एब्जॉर्ब हार्मफुल गैसेज लाइक कार्बन डाइऑक्साइड फॉरेस्ट प्रिवेंट सॉइल इरोजन फॉरेस्ट ग्राउंड वाटर में मदद करता है फॉरेस्ट एडवांसिंग डेजर्ट्स को रोकता है, है. है. है? है. एडवेंचरस एक्टिविटीज के लिए बढ़िया होते हैं कुछ फॉरेस्ट नेशनल पार्क सेंचुरीज और बायोडाइवर्सिटी में रिजर्व करके रखे हैं तो ये सारी एनवायरमेंटल इंपॉर्टेंस है फॉरेस्ट के अब हम बात करेंगे फॉरेस्ट कंजर्वेशन की तो एक इकोसिस्टम बनाया गया है जैसे हम हम लैंड एयर वाटर फॉरेस्ट वेजिटेशन और मैन हम सब मिलके एक इकोसिस्टम हमने बनाया है लेकिन कुछ एंटी एनवायरमेंटल एक्टिविटीज की वजह से और इंसान की लालच की वजह से ये इकोसिस्टम जो है वो डिस्टर्ब हो जा रहा है मैन जो है उसको ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट अक्वायर करना है ज्यादा से ज्यादा लैंड अक्वायर करना है और इसी वजह से वहां से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है फॉरेस्ट जो है वो पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहे उस वजह से भी डिस्ट्रॉय हो रहा है इंडस्ट्रियल यूनिट्स हम सिटीज से दूर बनाए रेजिडेंशियल एरिया से दूर बनाए तो उसके लिए फॉरेस्ट कट करना पड़ेगा भाई अर्बनाइजेशन सिटीज बड़ी हो रही है तो उसके इर्द गिर्द जो फॉरेस्ट एरिया था वो कट हो रहा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट बना रहे हैं आप तो उसके लिए भी फॉरेस्ट कट कर रहे हैं रोड कंस्ट्रक्ट करने में झूम कल्टिवेशन में टिम्बर लेने के लिए फ्यूल वुड लेने के लिए फॉरेस्ट फायर की वजह से ये सारी वजह से फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहा है और हमारा जो इकोलॉजिकल बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो रहा है देखो फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन की वजह से हमने एडवर्स इफेक्ट्स भी फेस करी हैं हैं और अभी अभी भी कर रहे हैं। हम रेनफॉल हम कभी बहुत पड़ जा रहा है कभी नहीं हो रहा रहा है है आ जा सूखा पड़ जा रहा है ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है ग्रीन हाउस इफेक्ट गर्मी लग रही है डेजर्ट्स एडवांस और डेजर्ट बड़े हो रहे हैं वाइल्ड एनिमल्स की रहने की जगह नहीं है तो एक एडवर्स इफेक्ट है जो हम फेस कर रहे हैं नेशनल पॉलिसी जो नाइनटीन में हुई थी उसके मुताबिक टोटल जोग्राफिकल एरिया ऑफ द नेशन जो पूरा पूरा कंट्री होता है उसमें टोटल जोग्राफिकल नेशन 33 परसेंट फॉरेस्ट होना चाहिए इंडिया के अंदर 23 परसेंट फॉरेस्ट कवर है और गुजरात के अंदर खाली 10 परसेंट है ये बहुत ही जरूरी है कि फॉरेस्ट का डिस्ट्रक्शन हम प्रिवेंट करें हम रोके इसको ठीक है और उसको प्रोटेक्ट करें कंजर्व करके रखें फॉरेस्ट को गुजरात में खाखरो गुगल नीलसोटी सोटी सीसेम आमली अटक हरडे ये सारी चीजें रेड डेटा बुक के अंदर लिखी गई है आई यू सी एन इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर यहाँ पे ये जो बुक होती है ना रेड डेटा बुक ऑन द दर्ड ऑफ एक्सटिंक्शन है खत्म हो रहे हैं समझ रहे हैं ये खत्म हो रहे ऐसी बुक के अंदर गुजरात के अंदर ये सारी चीजें जो मिलती हैं वो रेड डेटा बुक में लिखी गई हैं ये सारी चीजें खाखरो गुगल नीसो ये सारी खत्म हो रही हैं उसके पेड़ खत्म हो रहे हैं अब हम बात करेंगे रेमेडीज टू कंजर्व फॉरेस्ट चलिए भाई फॉरेस्ट को कंजर्व करना है तो देखो फॉरेस्ट को कंजर्व करने के लिए प्रोटेक्ट करने के लिए हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 में बनाई है 1980 में पार्लियामेंट ने एक लेजिसलेटिव एक्ट पास किया था और 1988 में एक नई नेशनल पॉलिसी बनाई गई तो ये सारे स्टेप्स लिए हैं नंबर वन फॉरेस्ट हमारा नेशनल रिसोर्स है ठीक है उसको हमारी मॉरल ड्यूटी बनती है उसको प्रोटेक्ट करने की पॉइंट नंबर टू ट्री फेलिंग रोकना चाहिए हैवी पनिशमेंट लगाना चाहिए जो कट ट्रीज uh, को कर रहे हैं इन पॉइंट नंबर थ्री पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़ाइए वन महोत्सव में सोशल फॉरेस्ट्री में ट्री जो है वो वेस्टलैंड के आजू बाजू प्लांट कीजिए रिवर के आजू बाजू रेलवे ट्रैक रोड उसके आजू बाजू ट्रीज प्लांट कीजिए आप पॉइंट नंबर फोर अवेयरनेस बढ़ाइए स्कूल सिलेबस में डालिए एनवायरमेंटल एजुकेशन दीजिए और एनवायरमेंटल रिलेटेड डेज सेलिब्रेट कीजिए तो आपको कुछ एनवायरमेंट रिलेटेड डेज भी आपको दिए हैं

7, का लोगों को मीडिया के ब्रॉडकास्ट के थ्रू और पब्लिक 2011 वर्ल्ड का मतलब क्या होता है लोगों लोग जो होते हैं ठीक है वो एनवायरमेंट सोसाइटी रूरल डेवलपमेंट के लिए फॉरेस्ट कंजर्व करें ट्रीज प्लांट करें और फॉरेस्ट को मैनेज करें एफ फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट वो फॉरेस्ट रिलेटेड रिसर्च करता यहाँ पे खत्म होता है हमारे चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम ये बात करेंगे चैप्टर नंबर सेवेंटीन के क्वेश्चन आंसर की और बात करेंगे एक नए चैप्टर की ठीक है क्वेश्चन नंबर चैप्टर नंबर सेवनटीन के क्वेश्चन आंसर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे बाय बाय